सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन आज बात कर रहे हैं फिंचेस के बारे में। आपको याद होगा कि मैंने फिंचों में रुई डाली थी, फिंचों को रुई दी थी नेस्टिंग के लिए। तो कल बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और बहुत ही ख़तरनाक वाली ठंड थी, और उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारे पास बहुत परेशानी हो रही थी। हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि जी क्या करें क्या ना करें। तो हमने रुई जब डाली तो वो फिंचें लेके जा रही थी बेडिंग के लिए, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं, कितने अच्छे से खा पी रही हैं। आप सोच रहे होंगे इतनी ठंड में ये बची भी कैसे हैं। भाई ये बची भी ऐसे हैं, एक तो ये इनडोर सेटअप है, ठीक है, और इनडोर सेटअप होने के साथ साथ हम इनको लाइट एंटीबायोटिक भी डालते हैं जो इनके जिस्म को गर्म रखती है और किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आने से रोकती है। अगर वो आपको चाहिए तो वो आप मुझे ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। तरीका क्या है, एंटीबायोटिक लाइट लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 03492200045। अच्छा, बात है मुद्दे के ऊपर। देखें, बीच बीच में मार्केटिंग करनी होती है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ 6 साल से। तो वीडियो देखते रहा करें, साथ साथ थोड़ा देखें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई, हम जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, हमारे इतने ज़्यादा बहुत कोई हैवी इनकम नहीं होती। हमारे कौन सा कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं भाई, अभी इस वक्त बहुत ही मुनासिब से सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमें क्या करना होता है, सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है या फिर सप्लाई करना होता है। तो मैं बेसिकली अपना बिज़नेस भी बर्ड्स की मेडिसिन का बिज़नेस भी चला रहा हूँ, इसी को सपोर्ट करने के लिए, अपने सेटअप को सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ ताकि सारी चीज़ें मैनेज रहें। तो वो सुन लिया करें, ये मत समझा करें कि यार ये बिला वजह बीच में इसने ये बता दिया वो बता दिया। हर इंसान की कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है, कोई ना कोई उसके ऊपर बोझ होता है, आप कह लें कि उसको पूरा करना होता है वो। तो हमारे लिए भी जाहिर सी बात है ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत सारे भाइयों को मैंने दिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं उन सबके पास, और सब मुझे मैसेज भी करते हैं कि यार आपकी मल्टीविटामिन से ब्रीडिंग का तूफान आ गया हमारे पास। और ये मेरे पास भी इसी तरह ही आया है, मैं भी मल्टीविटामिन यूज़ करता हूँ, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन। अगर आपको ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, बीएम लिख के सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन दोनों मिल जाएंगी, सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 03492200045। ये देख लें, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन का आप रिजल्ट देख लें, आपके सामने ही आ गया रिजल्ट। ये देख रहे हैं आप, ये रिजल्ट है ब्रीडिंग मल्टीविटामिन का। तो मैं सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देता हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा फिंचे हैं तो आप पानी में मिलाकर भी दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, तो वो आपके बहुत अच्छे से काम आ जाएगा। सो गाइज, आपने रिज़ल्ट तो सामने ही देख लिया। सो गाइज, हमने जो है वो रुई डाली थी ना, तो रुई जो है ये देखें, मैंने आपको जो बात बताई थी वो बिल्कुल सच है। मैं आज आपको उसका प्रूफ दे रहा हूँ कि रुई डालने से क्या फ़ायदा होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो हम घास देते हैं ना इनको, चाहे नारियल का छिलका हो, नेस्टिंग मटेरियल हो, कुछ भी हो, वो ये लोग ले जाते हैं घोंसले के अंदर, सॉरी घोंसला बनाते हैं उससे। और घोंसला बनाने के बाद चूंकि वो सख्त होती है ना, उसके ऊपर डायरेक्टली अगर अंडे देते हैं तो ये अंडे ख़राब हो जाते हैं इनके। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है कि यार हमारे पास अंडे सही से फर्टाइल नहीं हो रहे, तो वो इसी वजह से आ रही होती है कि इनको रुआँ चाहिए होता है। रुआँ क्या होता है, जो फैदर्स वगैरह निकलते हैं ना जिस्म से, इनके जिस्म से जो फैदर्स वगैरह निकलते हैं वो इनको चाहिए होते हैं। ये वो लेकर जाती हैं नेस्ट में और छोटा सा एक बेड बना देती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने कैसे बनाया है, दिखाना ज़रा। अब मैं आपको पॉज कर दिया, पॉज नहीं किया। सो गाइज ये देख लें, हमारे साथ के लोग ना हमें ऐसा डरा देते हैं, कभी बोलते हैं वीडियो तो प्ले करना भूल गया था, और फिर हंसते हैं। ये देखें, मैंने कल रुई डाली थी, और ये देख लें, ये रुई मैं हाथ से नहीं लेकर गया भाई, इतना छोटा सुराख है ये। ये घोंसला देखें आप इनका, ठीक है। ये मैं जब यहाँ पे शूट करता हूँ ना, तो मैं ये कॉम करता हूँ ना, तो ये कंघी वगैरह यहाँ मंगवा लेता हूँ। ये मोबाइल का कवर है, शूट करते हुए मोबाइल का कवर हम लोग इसलिए उतार देते हैं क्योंकि ये सही से जो है ना, इसमें माइक लग नहीं पाता कवर की वजह से, कवर का एरर है थोड़ा सा। सो ये देख लें, ये हमने इनको डाला था, रुई डाली थी, ये खुद ले गई, नीचे से लेकर गई, और देखें इन्होंने क्या किया, बेडिंग की। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने रुई वहाँ वहाँ लगाई है जहाँ एयर गैप्स इनको महसूस हुए, ठीक है, जहाँ पर इनको एयर गैप्स महसूस हुए इन्होंने वहाँ पर रुई लगा दी, खास करके अंडों वाली जगह पे ज़्यादा लगाई है। तो ये इनका बेड बन गया, इससे क्या मिलेगा, इनको गर्माइश मिलेगी, अंडों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। इनको देखें अगर आप, इनको पता नहीं क्या चाहिए मुझसे, या तो दाना ख़त्म हो गया शायद। देखें ये जो जब ये इस तरह कर रहे होते हैं ना, इस तरह कर रहे होते हैं जब, ये देखें डर ही नहीं रहे। तो जब ये इस तरह कर रहे हों तो हमें चेक करना पड़ता है कि भाई इनको भूख तो नहीं लग रही, और वाकई इनको लग रही है, दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल छिलका छिलका सा पड़ा हुआ। ये देखें,
ये को फोकस करना ज़रा, इसको फोकस करना, फोकस करेंगे तब जाके ये सही होगा। ये देखेंगे छिलके पड़े हुए हैं, और किसी को भी दाना चाहिए तो दाना हमसे मंगवा सकता है। मैंने अभी रिसेंटली एक कमाल हर सीन हो गया भाई, मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ। ठट्टा में एक भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, तो फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑर्डर दे दिया 32 किलो का, 30 से 32 किलो का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। अब मैंने तो 50 किलो भी भेजा हुआ है लेकिन कराची में, अब ठट्ठा में भेजना यार, किस कोरियर के ज़रिए भेजूँ, मैं परेशान हो गया, मुझे समझ में ही ना आए। तो खैर बहरहाल मैंने उनको बताया मैं लेपर्ड इस्तेमाल करता हूँ। लेपर्ड जो है वो भाई 1 किलो पे तकरीबन, मेरे ख्याल से अगर 1 किलो कोई चीज़ मंगवा रहे हैं ना तो उस पर 800 रुपये चार्जेज होते हैं डिलीवरी उसके, लेपर्ड के 1 किलो पे, ठीक है। तो मैंने बोला उनको भाई आप इतना मतलब कि 32 किलो में कैसे भेजूंगा और ये किस तरह जाएगा क्या होगा। उन्होंने कहा आप जो है ना वहाँ डायवो से पता कर लें, वो बड़ा सस्ता देता है। तो मैं डायवो वाले के पास गया, डायवो वाले के पास गया, उसने बोला भाई हमारी सर्विस बहुत, अगर आप लेपर्ड छोड़ के आ रहे हो ना, उसने बड़ी अच्छी बात की। हालांकि उसको तो बेचारे को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, अगर देखा जाए तो उसी कंपनी का मुलाजिम है वो, उसको बोलना नहीं चाहिए था ये, लेकिन उसने अच्छी बात की। उसने बोला भाई आप जो है ना ये जो लेके जा रहे हो ना आप, इतना बड़ा बोरा अगर आप डायवो से भेजोगे ना और डायवो की सर्विस को कंपेयर कराओगे लेपर्ड से, तो ये तो लेपर्ड वाले बहुत ऊपर हैं। लेपर्ड और TCS ये लोग आपस में कंपिटिटर हैं, ठीक है। लेपर्ड और TCS आपस में मध्य मुकाबले हैं एक दूसरे के। और अगर आप लेपर्ड को डायवो से मिलाएंगे तो भाई डायवो वाला बस अड्डे पर उठा के पटक देता है, घर घर लेके नहीं घूमता डायवो वाला, सही है ना। डायवो इसलिए होता है कि हाँ अगर किसी को, कोई बंदा जा रहा है खुद तो वो डायवो करवाता है अपना ही सामान। कैसे, मिसाल ले लो मैं पंजाब से आ रहा हूँ और मेरे पास तकरीबन, मैं वहाँ से गाँव से आटा लेके आ रहा हूँ या गंदुम लेके आ रहा हूँ, तो मैंने 200 किलो गंदुम, 300 किलो गंदुम मेरे पास थी, वो मैं बोरों में लेकर आया और मैं जिस बस में खुद आ रहा हूँ डायवो की, उसी में डायवो भी करवा दिया मैंने। जाहिर है उसके लगेज के अलग पैसे लेंगे वो, तो ये इसलिए थी। अब लोग ये समझते हैं कि जैसे ये एक, मतलब वो ये कहते हैं कि जी हर चीज़ जो है ना आप इससे भेज दो। अब भाई बस अड्डे पे आप लेने जाओगे, आप मुझे बताओ अगर बस अड्डे तक आपको जाना पड़े लेने के लिए तो कौन लेने जाएगा। लेपर्ड का ये था कि जी वो घर डोर टू डोर पहुँचा रहे हैं, डोर टू डोर सर्विस है, तो वो मेरे जो डिलीवरी है ना वो मैच करवाने की कोशिश करते हैं लोग लेपर्ड से, सॉरी डायवो से। तो वो जो चीज़ है ना वो गलत है, हर चीज़ की अलग वैल्यू होती है। डायवो वालों का अलग निज़ाम है, TCS वालों का अलग निज़ाम है और लेपर्ड वालों का अलग निज़ाम है। हर कंपनी अलग तरीके से काम करती है। जो जो डायवो का काम है वो कर रहे हैं, क्योंकि आप लेपर्ड के थ्रू अगर मिसाल के तौर पे 800 किलो 700 किलो कोई चीज़ मंगवाएंगे तो लेपर्ड भी तंग आ जाएगा, वो हो सकता है परेशान हो जाए थोड़ा बहुत। तो क्योंकि इनका जो काम होता है वो बेसिकली समझ लें कि डिलीवरी में देखा जाता है ना क्या चीज़ है, कितनी बड़ी है, कैसे है, क्या नहीं। सो मैंने क्या किया, दाना भिजवा दिया 30 किलो, और वो दाना माशाल्लाह से उनको इतना पसंद आया, कहने लगे यार मुझे जितना भी खर्चा आएगा ना मैं तुमसे ही मंगवाऊंगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पैसे ऊपर भी हो जाए। तो ये खुशी की बात है कि किसी को अगर दाना पसंद आ रहा है तो आप दाना भी मुझसे मंगवा सकते हैं। दाना लिख के सेंड कर दीजिएगा मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 03492220045। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।